नमस्कार, आप देख रहे हैं केआर न्यूज़ लाइव। अगर आप वाहन खरीदने के शौकीन हो और कम कीमत पर वाहन अगर आप खरीदना चाहते हो तो इसके लिए कुछ समय आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है और शराब माफिया द्वारा, शराब के कारोबारियों द्वारा अवैध शराब की जो बिक्री की जा रही है उसको लेके जो प्रशासन है वो काफ़ी सजग और सक्रिय है। इसी को लेके कई गाड़ियां दो चक्का से लेके चार चक्का तक वो बिहार के कई थानों में यूं ही खुले आसमान के नीचे वो गाड़ी अभी दिखलाई दे रही है। बिहार सरकार के मद्य निषेध विभाग के अपर सचिव के पाठक ने सभी जिला के जिला पदाधिकारियों को एक पत्र जारी करते हुए निर्देश दिया है कि जो भी गाड़ी खास करके शराबबंदी में पकड़ी गई है उसका नीलामी किया जाए और कम कीमत में नीलामी किया जाए ताकि खरीदार को खरीदने में सहूलियत हो। आपको बता दें कि अभी तक 55,000 वाहनों को इसमें शराब को लेकर जब्त किया गया है और 9,706 वाहन का नीलामी हो चुकी है जिससे 62,000 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्त हुआ है बिहार सरकार को। स्कॉर्पियो, उसके बाद बोलेरो और कई अन्य लग्जरी गाड़ियाँ, खास करके ट्रक भी है, जो भी गाड़ियाँ हैं वो गाड़ी आप जो विभाग द्वारा जो निर्देश जारी होगा, नीलामी की जो डेट निकलेगी उस डेट पर आप तैयार रहें और आप निश्चित तौर पर कम कीमत में दो पहिया से लेकर चार पहिया हैवी व्हीकल भी आप खरीद सकते हैं। बता दें कि मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक निर्देश है कि वाहन की कीमत कम किया जाए जिससे खरीदार को सुविधा हो और अत्यधिक वाहन नीलामी में लोग प्राप्त कर सके। जब्त वाहनों में आधे से अधिक दोपहिया वाहन हैं। आंकड़े की बात करें तो सिर्फ मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग ने 10,736 वाहन जब्त किए हैं। इसमें 6506 दो पहिया वाहन हैं जबकि तीन पहिया चार पहिया वाहन ट्रक समेत अन्य वाहनों की संख्या करीब 4,176 है। वर्ष 2021 में अक्टूबर माह तक 2,887 वाहन जब्त किए गए हैं जिसमें 1,630 दोपहिया एवं 1,257 अन्य वाहन शामिल हैं। तो आप निश्चित तौर पर अगर वाहन के शौकीन हो, दोपहिया से चार पहिया वाहन, तो आप तैयार रहे। जब बिहार सरकार द्वारा, जब जिला प्रशासन द्वारा अगर नीलामी की का डेट निकलता है तो निश्चित तौर पर आप नीलामी में भाग लें और दोपहिया से चार पहिया वाहन आप खरीद सकते हैं और उसके आप स्वामी बन सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मिलता है हमको बल और आपको अच्छी अच्छी और ताज़ा तरीन समाचारों से हम अवगत कराते हैं। तो आप देख रहे थे बिहार सरकार द्वारा, बिहार के मद्य निषेध विभाग द्वारा जो एक चिट्ठी जारी की है कि जो भी दुपहिया चारपहिया वाहन जो आसमान तले हैं अलग अलग थानों में बिहार के, उसको नीलामी करें और उससे सरकार को राजस्व आएगा और साथ ही साथ लोग जो बिना वाहन के हैं वो वाहन के स्वामी बनेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य खबर के लिए किसी अन्य जगह से। तब तक आप दीजिए इजाज़त, देखते रहिए केआर न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।